हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर। टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड टेबल। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सिंबल इज दिस। हम मल्टीप्लिकेशन को इस सिंबल से शो करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। लुक एट दिस एग्जाम्पल। 2 मल्टीप्लाई 5 is 2 times 5, or 5 plus 5 equal to 10, means 2 times हमने 5 को प्लस किया तो हमारा आंसर 10 आया। अगर हम इसको इजी वे में लिखेंगे तो 2 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी यही आएगा। We repeated added 5 is 2 times, this is called multiplication operation. मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन मीन्स एडिशन मतलब एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है एड करने पर। कितनी टाइम्स करना है? 2 टाइम्स, तो रिपीटेड एडिशन हो रहा है। तो इसको ईजी वे में हमने कन्वर्ट किया है और मल्टीप्लीकेशन करा है। तो वी कैन सॉल्व दिस ईजी वे। 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस। ये क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस हो गया। 2 मल्टीप्लाई 5, इट कैन बी रीड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, 2 टाइम्स 5 इज 10, 2 5s आर 10। इसे ऐसे भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई 8 इज 4 टाइम्स 8, और 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 32। हम 8 को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 32। ओके, नेक्स्ट, टेल हाउ मेनी टाइम्स। टेल हाउ मेनी टाइम्स मीन्स 3 कितनी टाइम्स है हमारे पास? 1 2 3, 3 टाइम्स दिख रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। नेक्स्ट, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितनी टाइम्स है 2? यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 and 5, 5 times 2 means 5 multiply 2, तो 5 2s are 10। ऐसे ही 9 plus 9 plus 9 plus 9, 9 कितनी times है? Count करने पे 4 times, तो 9 multiply 4 equal to 36। Multiplication table, multiplication table जैसे मैंने आपको example explain किया है उसी मेथड से टेबल बनती है। टेबल हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि एडिशन को फास्टली ऐड करके आंसर दे सके। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप 7 टाइम्स 2 को प्लस करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दे दोगे, दे सकते हो। टेबल आपको डेली लाइफ में भी यूज होती है। जैसे एग्जांपल, आप मार्केट गए, आपने 5 पेन खरीदे, 1 पेन की कीमत हुई 2 रुपीस, तो आपको कितना अमाउंट देना है शॉपकीपर को? यहाँ हम टेबल का यूज करेंगे। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप डायरेक्ट टेबल से इसका आंसर दे सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 2 5s आर 10। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैंने पिक्चर में शो किया है, 2 मल्टीप्लाई 1s इक्वल टू 2 मीन्स 2 वंस आर 2, 2 को वंस टाइम ही प्लस करना है तो आंसर 2 ही आएगा। सेकेंड में 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 2 2s आर 4 मीन्स 2 को 2 टाइम्स प्लस किया तो आंसर कितना आया हमारा? 4। तो ये इजी वे है। इजी वे में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, तो 2 3s आर 6 means 3 times 2 को प्लस करने पे हमारा आंसर 6 आएगा। नेक्स्ट है, 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8, 2 4s आर 8, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10, 2 5s आर 10, 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12, 2 6s आर 12, 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14, 2 7s आर 14, 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 16, 2 8s आर 16, 2 9
2 multiply 9 equals to 18, 2 9s are 18 and 2 multiply 10s equals to 20, 2 10s are 20. ऐसे ही आप और नंबर्स की टेबल भी बना सकते हैं, 1 टू 10 तक और आगे भी बनती है. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वे टू राइट मल्टीप्लीकेशन. 8 मल्टीप्लाई 4, ये हॉरिजेंटल मल्टीप्लीकेशन है. इसको हम वर्टिकल भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे 8 है जो मल्टीप्लीकेंड है, उसे हम मल्टीप्लीकेंड कहते हैं. 4 मल्टीप्लायर, अब 4 और 8 का जो मल्टीप्लीकेशन करने पर आंसर आएगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट 4 8 जा कितना होता है 32. अब ये कैसे पता चला? अगर आपको यहाँ पे टेबल लर्न होगी तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं. हमने 4 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो आंसर आया 32. अगर टेबल लर्न होगी तो आप यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लाई 3. अब 9 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 का कितना होता है 27. यहाँ भी टेबल लर्न होगी तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे. ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 36. 6 मल्टीप्लाई 6 36 में 6 को 6 टाइम्स प्लस करना है. इजी वे में हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट टेबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं. मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें टेबल लर्न होना जरूरी है. जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अ शर्ट हैज 5 बटन्स, हाउ मेनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स हैव. वन शर्ट में 5 बटन्स लगे हैं तो 3 शर्ट में कितने लगेंगे ये हमको फाइंड आउट करना है. ओके, सॉल्व में देखिए आप, अ शर्ट हैज बटन्स, वन शर्ट में कितने हैं 5. फिर नेक्स्ट, टोटल शर्ट कितने हैं अपने पास 3. हमको तीनों शर्ट के बटन्स बताना है. उन्होंने सिर्फ वन शर्ट का बताया, हमको 3 शर्ट्स के बताने हैं. तो हम क्या करेंगे कि 3 टाइम्स 5, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे. 5 को 3 टाइम्स हमको प्लस करके बताना है तो काउंटिंग को इजी बनाने के लिए हम 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस टाइप से 5 3 का कितना होगा 15, हमारा आंसर होगा 15. तो तीनों शर्ट में 5 बटन लगेंगे. वन शर्ट में 5 है, सेकेंड शर्ट में 5, फिर थर्ड शर्ट में 5, ऐसे हमारा आंसर आएगा 15. मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स, बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, टू टॉफीज वेयर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास. इफ देयर वेयर 34 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टॉफीज वेयर गिवन इन ऑल. अगर एक स्टूडेंट को टू टू टॉफीज देनी है, एक क्लासरूम है उसमें 34 स्टूडेंट्स हैं, 34 स्टूडेंट्स में से हमको टू टॉफीज एक स्टूडेंट को देनी है तो कितनी टॉफीज लगेगी हमारी, ये हमको फाइंड आउट करना है. सॉल्व, टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है 34. ईच स्टूडेंट गेट्स टू टॉफीज, मतलब एक स्टूडेंट को हमको टू टॉफीज देना है. टोटल स्टूडेंट कितने हैं 34 और एक स्टूडेंट को 2 देना है. तो सो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज गिवन इज 34 मल्टीप्लाई 2, मीन्स 34 को हमको 2 टाइम्स प्लस करना है. ठीक है, 34 स्टूडेंट प्रेजेंट है, एक स्टूडेंट को 2 टॉफीज देना है तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितना होगा, हमको 34 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 34 को 2 टाइम्स प्लस करना है इसलिए उसको इजी बनाने के लिए हमने डायरेक्ट 34 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस टाइप से. तो हमारा आंसर आया 68. नेक्स्ट, टू डिजिट मल्टीप्लाई. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 32 मल्टीप्लाई 33. अब टू डिजिट, इसमें भी वंस टेंस है. टू क्या है वंस और थ्री क्या है टेंस. नीचे भी थ्री, पीछे वाला थ्री वंस है और आगे वाला टेंस है. तो हम पहले वंस से मल्टीप्लाई करेंगे. हमेशा आपको ध्यान रखना है वंस से ही स्टार्ट करना है. एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ. ओके, तो थ्री क्या है वंस, तो वंस का हम वंस में मल्टीप्लाई करेंगे. थ्री टू ज़ा 6. फिर 3 वन से, वंस का हम टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर वाला 3 है. 3 3 ज़ा 9. अब सेकेंड हम 6 के नीचे
क्रॉस लगाएंगे। इसको हम जीरो से भी शो कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। इसको जीरो, यहाँ जीरो भी हम लिख सकते हैं। अब टेंस का हम वंस में मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई टू, तो थ्री टू जा सिक्स। ऐसे ही फिर टेंस का टेंस में मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन। अब दोनों आंसर्स को हम प्लस कर देंगे, दोनों आंसर्स को हम प्लस करेंगे तो सिक्स में जब जीरो प्लस करा, इस सिक्स में हमने जीरो प्लस किया, इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी है, ये जीरो के बराबर होता है, तो सिक्स में हमने जीरो प्लस किया तो सिक्स ही आएगा। नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव आंसर में कैरी नाइन के ऊपर, नाइन और कैरी वन प्लस किया तो आंसर आया टेन। टोटल आंसर हमारा आएगा 1056। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, 24 मल्टीप्लाई 23। ऐसे ही हम वंस में वंस का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वंस का टेंस में। तो पहले हम 3 को लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 फोर का कितना होता है 12, 12 का 2, कैरी 2 के ऊपर। फिर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 टू जा 6 और 1 7। ऐसे ही अब टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के नीचे हम फिर क्रॉस लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 2 फोर जा कितना होता है 8 और 2 टू जा 4। अब दोनों आंसर्स को हम प्लस कर देंगे, 2 7 और 8 15, 15 का 5, कैरी 1, कैरी कहाँ गया 4 के ऊपर, 4 और 1 क्या हो गया 5, आंसर आया 552। ओके, ऐसे ही आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट, वी सॉल्व मल्टीप्लीकेशन एंड लर्न टेबल, तो आप और प्रैक्टिस करिए, टेबल लर्न करिए और मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।